बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक संघ द्वारा दिया गया धरना प्रदर्शन। बिहार राज्य पंचायत नगर प्रारंभिक संघ द्वारा जिला मुख्यालय डुमरा के अंबेडकर स्थल पर जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमार की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। लंबित वेतन और अंतर वेतन की मांग कर जिला शिक्षा पद अधिकारी और स्थापना के विरुद्ध किया नारेबाजी। मामले में जिला पद अधिकारी के आदेश पर जिला शिक्षा पद अधिकारी ने धरना प्रदर्शन स्थल पे जाकर अनशनकारियों की समस्या को सुन जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले सीतामढ़ी जिले के विभिन्न प्रखंडों के समस्याओं को लेकर अम्बेडकर स्थल पर धरना पर शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार 8 दिसंबर 2018 से लगातार लिखित एवं मौखिक रूप से जिला प्राधिकारी, जिला शिक्षा प्राधिकारी, जिला कार्यक्रम स्थापना के समक्ष अपनी बातों को हमने रखा है। बावजूद अब तक जबकि जिला प्राधिकारी महोदय ने निर्देश भी जारी किया जिला शिक्षा प्राधिकारी को कि आप इनकी समस्याओं का निराकरण अविलंब करें, बावजूद शिक्षा विभाग के दुख के प्राधिकारी द्वारा कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं और अब तक शिक्षकों का वेतन भुगतान या सप्तम 2 वर्षों से लंबित सप्तम वेतन का एरियर राशि का भुगतान अब तक नहीं किए हैं। इसके लिए शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। यदि आज हम लोग शिष्टमंडल के माध्यम से पुनः जा रहे हैं डीएम साहब के पास, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे। वहीं जिला संघ इकाई की अध्यक्षता कर रहे प्रकाश कुमार ने कहा संघ हमेशा शिक्षक हित में अपनी आवाज उठाता रहेगा। धरना कर रहे हैं, क्या करना है? जिला प्राधिकारी महोदय के समक्ष जो है संगठनों के जो अध्यक्ष से जो वार्ता हुई थी उसमें उन लोगों का मांग था जो हमको जो एरियर का भुगतान होना चाहिए रिविजन का, तो हम बताए कर्म हुआ जो पैसा जो हम जो आया था जो विभाग से बिहार राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक के सिग्नेचर से उसमें वेतन का जो था जो नवम्बर माह का वेतन और आधा जो एरियर जो है तो उसका भुगतान जो है कर दिया जाएगा। तो जहाँ जहाँ से जो जिस ब्लॉक से जो है एडवाइस आया था तो DPO स्थापना जो है सभी शिक्षकों का नवम्बर माह का वेतन जो है 3% इंक्रीमेंट और 2% DA जोड़ करके नया दर से जो है भुगतान का आदेश जो है एडवाइस जो है बैंक को भेज दिया गया और उसका जो है भुगतान भी जारी है। जैसे कि प्रखंड रीगा का हो गया, बाजपट्टी का हो गया, बैजनिया प्रखंड के टीचरों का हो गया, डुमरा का हो गया, रूनी सैदपुर का हो गया, ये जो है 3 दिन पहले का है और इस बीच में जितना का भी आया है सबका जो है लगातार जो है जो बैंक में जा रहा है और शिक्षकों के खाते में राशि जा रही है। ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं ये ऑन स्ट्राइक है इनकी मांग को, हाँ तो एकदम जब इन लोगों का डिमांड पूरा हो गया, वेतन नवंबर माह का जो है जारी है और आधा जो है जो एरिया का भुगतान भी जो है जो उसका जो है प्रारंभ है तब जो है इसका जो है जो किया गया है तो क्या कार्रवाई कीजिएगा? स्कूल छोड़ के यहाँ पर BO को निर्देश दे रहे हैं जो शिक्षक यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं अगर वह छुट्टी लेकर के नहीं आए हैं और मानवश्यक रूप से यहाँ पर बैठ करके जो है बैठे हुए हैं तो उस पर जो है आवेदन लेकर के उसके रिपोर्ट लेकर के उसके अनुसार जो है कार्रवाई कीजिएगा।